करवा रहे हैं क्यों? हेलो 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 शुभांशी गुड मॉर्निंग, सावी गुड मॉर्निंग, मानसी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? और जल्दी जल्दी सारे लोग लाइक और शेयर करना शुरू कर दें। सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग, तो दीक्षा, अनुराग, करते हैं स्टार्ट करते हैं। अनुराग अभी करते हैं, कहाँ भागे जा रहे हो? चलो जल्दी जल्दी बाकी सारे फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो बोलो कि सेशन में जुड़ जाएं। कहीं जाना है क्या जल्दी जल्दी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल के दिन में हमने डिस्कस कर लिया है जी। गुड मॉर्निंग, गुड, और फिर से आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? तो कल के दिन में हमने डिस्कस कर लिया है प्लांट बायोलॉजी के जो भी PYQs हैं CUET एग्जामिनेशन के। आज के इस सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी और एवोल्यूशन वाले टॉपिक के PYQs, ठीक है। CUET का रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज लिया था, बट उसमें भी अभी तक मॉलिकुलर के लेक्चर अपलोड नहीं हुए। ओके शुभांशी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं जरूर इस बात को एक बार चेक करूंगा। वैसे तो अगर रिकॉर्डेड कोर्स कोई स्टूडेंट लेता है तो सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है। और ये भी देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस में मॉलिकुलर बायोलॉजी इस नाम से कोई चीज है या फिर उसको हम जो है किसी और टॉपिक के अंदर इंक्लूड करके पढ़ाएंगे। सिलेबस बड़ा छोटा सा है CUET का, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, राइट। चलो जो भी है तो इसको हम वेरीफाई जरूर करेंगे, चिंता ना करें। अगर ऐसा कोई भी कंडीशन है तो शाम तक आपको वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करें। चलिए फटाफट क्वेश्चन डिस्प्ले करना शुरू करते हैं और आप उसका जवाब देना शुरू करें। तो मैंने आपको कल भी बता दिया था कि कई स्पेशल प्रकार के ऑफर्स CUET या फिर MSc एंट्रेंस को लेकर के IFS द्वारा दिए जा रहे हैं, और आप सभी लोगों को अगर नहीं पता है तो एक बार वेबसाइट विजिट करें, एंड डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई चीज आपको हेल्प कर जाएगी, कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल फायदेमंद चीजों को अवेल करने के अंदर, ठीक है। ऐसे CUET PG बायोलॉजी लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, CUET कॉम्बो, उसके बाद फिर ये 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड बहुत सारी चीजें,
ये सारा कुछ एक्सप्लोर करें जा करके, डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ आपको आपके काम का जरूर मिल जाएगा। सिमिलरली अबाउट द कंप्लीट टेस्ट सीरीज, है ना, एग्जाम आने वाला है तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे कहाँ पर, फाइनल एग्जाम्स के अंदर। चलिए फटाफट बात करें कि इकोलॉजी वाले सेगमेंट से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा और फिर आप उसका जवाब दोगे, ठीक है, और फिर मैं भी उसका जवाब दूंगा, और ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कोई क्यों है इसके ऊपर डिस्कशन भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन रहा ये, कहां से, इकोलॉजी वाले सेगमेंट से। जी हेलो सत्येंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, समय आपका शुरू होता है और आंसर देना आप शुरू करिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, है ना, ऑल सोचिए, यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। जी तो काफी लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 4 होगा, तो क्या होगा आंसर, ठीक है। चलो तो जिसने जो जो जवाब दिया है याद रखना, बाद में पलटना नहीं, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बायो रिमेडिएशन। ऑल ऑफ द अबाउ नहीं हो सकता, या ऑल ऑफ द अबाउ ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि नैनो रेमेडिएशन का मतलब होता है जब नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाए रेमेडिएशन पर्पस के लिए। यहां तो साफ साफ लिख रखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, तो जब ये नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। माइक्रो रेमेडिएशन आप कह तो सकते हो, लेकिन ज्यादा सही टर्मोलॉजी होगी बायो रेमेडिएशन, है ना। Okay, so the correct answer should be a second one. Now moving towards the next question. So bioremediation वाले part से ही कई सारे questions हैं, और ये उसी से related दूसरा question है। नामिका good morning, कैसे बेटा, I hope आप अच्छे होंगे, और thank you session में आने के लिए, जुड़ने के लिए। Definitely ये sessions आपको फायदा पहुंचा रहे होंगे, that's why बहुत सारे students हैं जो कि इस सेशन के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, उस वजह से ही शुरू होता है पहुंच जाते हैं। सो राइट, प्रियंका जी ने आंसर दे दिया, अनामिका जी ने भी आंसर दे दिया, देखते हैं कि भाई क्या होगा सही आंसर। रुद्धिक्षा का भी आंसर आ गया, जी जी जी, वेरी गुड। तो चलो वेट कर रहा हूं मैं सर, एग्जाम होने के चांसेस कब तक सीयूईटी के, बेटा देखो नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप करना ये सारी एक्टिविटीज चली रही है, है ना। अब अगर फॉर्म फिलअप करने की डेट खत्म हो चुकी है तो फिर उसके एक महीने डेढ़ महीने के अंदर ही आपको एग्जाम होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, तो तैयार रहें। ओके ठीक है, वेरी गुड। सो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज सुडोमोनास पोटिडा, सुपरबग कहा जाता है, और एक साइंटिस्ट हैं, अगर आपको उनका नाम याद है तो आप बता सकते हो, जिन्होंने इस GMO को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाया था, है ना, इसे ट्रीट करने के लिए ऑयल स्पिलेज जैसे जो कंटामिनेशंस होते हैं उन सभी को ट्रीट करने के लिए। जुलाई लास्ट वीक में हो सकता है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अंदाजन आप एक से डेढ़ महीना मान के चले एग्जाम को लेकर के, इतना समय तो ले ही लेंगे। It was in, हाँ, he was Indian, correct. मैं चाहूंगा कि आप लोग नाम भी जरा बताएं, पूछे हाँ जी इंडियन थे, थोड़ा बहुत हिंट अगर चाहिए तो मैं दे दूं, अलीगढ़ वाले, अरे वाह, अरे वाह, इतने सारे छोटे छोटे हिंट देने से बढ़िया है नाम बता दो, है ना।
और हर गोविंद जी नहीं भाई, अरे नहीं, वो तो अलग कॉन्सेप्ट वाले हैं। उन्होंने तो जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग या VNTRs का इस्तेमाल करके जो DNA प्रोफाइलिंग वाला काम उनका है, राइट। हरगोविंद खुराना जी का, सॉरी उसमें भी नहीं है, जो कोडॉन्स है उनकी डिकोडिंग में है उनका काम है। ये तो नाम नहीं, आनंद मोहन चक्रवर्ती, सही बात, वेरी गुड प्रियंका, सही बात है ना, आनंद मोहन चक्रवर्ती। हाँ, उन्होंने जेनेटिक कोड बताया था, जेनेटिक कोड के अंदर या कौन से कोडॉन किस तरह के अमाइनो एसिड कोडेड होते हैं, या ऐसा कुछ काम था हरगोविंद खुराना जी का, यहां से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलो ओके, चलो डन, वेरी गुड, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, शाबाश, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। इकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, वेरी गुड अनामिका, प्रोफेसर चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लर्न टू लीड। बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक लग रहे हैं आप, एनर्जेटिक लग रहे हैं आप, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अर्थ लार्जेस्ट कार्बन रिजर्वॉयर इज, अर्थ का सबसे लार्जेस्ट जो रिजर्वॉयर है वो क्या है कार्बन का, ठीक है। ध्यान रखिए एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन का जो अमाउंट है वो आप जानते ही हैं, 0.04%। पानी के अंदर जो 3 गुना ज्यादा है, जाहिर सी बात है वहां पर भी कार्बन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हाँ मेजोरिटी ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन 3 गुना पानी के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन उससे काफी ज्यादा है। सेडिमेंट्स एंड रॉक्स की अगर आप बात करें तो कार्बन यहाँ नहीं है, फॉस्फोरस ज्यादा मात्रा में होता है। फॉस्फोरस और सल्फर की बात करें तो द करेक्ट आंसर शुड बी सी वाटर, ठीक है। समंदर के अंदर भारी मात्रा में जो भी सोल्यूबल फॉर्म में और उसी के साथ साथ जो लिविंग फॉर्म्स उसमें पाए जाते हैं उसके अंदर है, समझे। ओके, समंदर के अंदर सबसे ज्यादा, ये बात ज्यादा सही है। कई सारे तो सेडिमेंटाइज्ड फॉर्म में नीचे प्रेजेंट है ना, वहां पर समंदर के अंदर, सी वाटर इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट एक्यूरेट आंसर, समझे। चलो इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। इन इंडिया द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश हुआ और कौन सा एस्टैब्लिश हुआ। याद रखिए आपसे नेशनल पार्क नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बायोस्फीयर रिजर्व। अरे वाह, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो नीलगिरी, ये तो बात सही है। कब, तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वही अगर आप देखेंगे तो 1800 के बाद देखने को मिला है ना। नेशनल पार्क जैसे कॉन्सेप्ट तो पुराने कॉन्सेप्ट, लेकिन 1800 के बाद, मतलब ये 1986 के आसपास जो ये कॉन्सेप्ट है जो यूनेस्को द्वारा दिया जाने लगा इसका बायो, देखो गड़बड़ी हो गई आपको आंसर बता क्या, बायोस्फीयर रिजर्व वाला ये कॉन्सेप्ट लाया गया। और लाने के बाद से अब एक नए तरीके से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की मुहिम शुरू हुई, जिसमें मैन एंड बायोस्फीयर दोनों को एक साथ जोड़ करके देखा जाता है, ठीक है। तो द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वॉज डिक्लेयर्ड इन 1980, जो कि नीलगिरी था, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अगला क्वेश्चन मैं क्या पूछूं आपसे, आपने ऑलरेडी आंसर देख लिया है इसका, लेकिन फिर भी कोशिश करो, है ना। जिसने नहीं देखा है, जिसने किसी वजह से चांस मिस कर दिया, वो आंसर देगा इसका। ओके मधु, गुड मॉर्निंग बेटा, अरे वाह खुशबू, देखो फटाक से आंसर दिया उन्होंने, काजीरंगा नेशनल पार्क। गुड मॉर्निंग पीहू। तो राइनासोरस की बात हो और काजीरंगा ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इंडियन राइनोस आर कंजर्व, दी सेशंस
आर रियली हेल्पफुल। ओके ओके सत्येंद्र जी, अगर डेफिनेटली आपको फायदा हो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इंडियन राइनोस कंजर्व्ड। अब आप आंसर देख ही चुके हो, मुझे बोलने और बताने की कोई खास जरूरत बची ही नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट की बात कर रहे हो, उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर शेर और कुछ और एनिमल्स हैं जिनके कंजर्वेशन काम करता है। ऐसे ही मनास और कैमूर सेंचुरीज भी हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को देख करके? हाँ, काजीरंगा आसाम में। मैं जिम कॉर्बेट की बात कर रहा था, उत्तराखंड में सबसे पहला नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये मैं इसलिए आपके सामने लेकर के आया हूं, इसलिए आपके सामने क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन था पिछला वाला, 2016-2019 के क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए हैं, जस्ट उनके आंसर की पोजीशन में फर्क है। ओके तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं, क्वेश्चन हैज रिपीटेड सुडोमोनास पिडा, सेम आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता? एलिनो इफेक्ट क्या होता है? जी तो व्हाट इज एलिनो इफेक्ट, जल्दी जल्दी बताएं। आंसर तो देना ही है, लेकिन एलिनो इफेक्ट होता क्या है ये भी आपको रिटन में एक्सप्लेन करना है, राइट? तो मैं चाहूंगा कि आप रिटन में सारी बातें एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज एग्जैक्टली द एलिनो इफेक्ट। और अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो एक्सप्लेन करने में हमें डरना नहीं चाहिए, राइट? चलो आंसर तो कई लोगों ने दिया, लेकिन अब समय है रिटन एक्सप्लेनेशन का। डिटेल में आप लिखें कि भाई क्या होता है एलिनो इफेक्ट। नहीं पता है तो मैं आपको कुछ बातें बताता चलता हूं। क्वेश्चन है कि एलिनो इफेक्ट डिफाइंड एज क्या होता है और कौन सी लाइन इसे सबसे ठीक तरीके से डिफाइन कर रही है ना। अब एक से ज्यादा डेफिनेशन तो हो नहीं सकते। हेवी स्नोफॉल जी नहीं, एलिनो के अंदर स्नोफॉल जैसे किसी भी एक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो स्नोफॉल तो होने से रहा, अगर स्नोफॉल नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव होने से रहा, अब बचे दो ऑप्शन। जी हाँ, फ्लडिंग होती है, टेम्परेचर में बदलाव आता है, पेरुवियन कोस्ट की तरफ बहुत ज्यादा फ्लड जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं, वहाँ बरसात बहुत ज्यादा होने लगती है, वहाँ वार्म वाटर का रेंज बढ़ जाता है, पानी का सरफेस गर्म होना शुरू हो जाता है। वहीं पर अगर आप ऑस्ट्रेलियन या फिर जो दूसरे कुछ कोस्टल लाइन्स हैं वहाँ के आसपास में, जैसे कि मलेशिया एंड ऑल, उस कोस्टल लाइन पे जो कि ईस्टर्न कोस्ट माना जाता है, उस कोस्ट के ऊपर जो कंडीशन है वो बदल जाती है। तो कुछ इस प्रकार के बदलाव हैं जिसमें पैसिफिक ओशन की सरफेस का टेम्परेचर बदलता हुआ देखा जाता है। एक तरफ जहां पहले वार्म वाटर सिचुएशंस थी, अब वो वार्म वाटर पीछे की तरफ जाना शुरू होता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पेरुवियन कोस्ट, और पेरुवियन कोस्ट में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन और ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन, ज्यादा रेनफॉल, जो वहां की फिश इंडस्ट्रीज हैं कुछ समय के लिए ठप्प पड़ जाती हैं। ऐसी एबनॉर्मल कुछ समय के लिए होने वाले अल्ट्रेशन को
एलनीनो इफेक्ट कहा जाता है उस क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि 4, 5 या 7 सालों के अंतराल पर होता हुआ दिखाई देता है, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, दैट इज व्हाट द एलनीनो इफेक्ट। तो समंदर की सतह का टेम्परेचर बढ़ जाना, इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बरसात हो जाना, फ्लड जैसी स्थिति बन जाना, कहाँ पर, पेरुवियन कोस्ट, है ना, उस कोस्ट लाइन के आसपास, इसी को कहते हैं क्या, एलनीनो इफेक्ट, और ये टेम्पररी कंडीशन है, राइट। तो अब इसके हिसाब से कौन सा स्टेट, देखो हाई टेम्परेचर इन अ ट्रॉपिकल रीजन, ये तो बहुत ही ब्रॉड सेंस में बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। पहला स्टेटमेंट, प्रोलॉन्ग्ड वार्मिंग इन अ पैसिफिक ओशन सी सरफेस टेम्परेचर, ये ज्यादा एक्यूरेट है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज द फर्स्ट वन, है ना, ज्यादा सही है। ड्राउट कंडीशन नहीं बनती है, बरसात वाली कंडीशन हो जाती है, ज्यादा ओवर फ्लडिंग वाली सिचुएशन आ जाती है पेरू के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आपने आंसर नहीं दिया तो फिर आप तो फिर बड़ा मुश्किल है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने नहीं दिया तो फिर तो आपका बड़ा मुश्किल है, स्थिति गंभीर है फिर आपकी। एसिड रेन होने की वजह क्या है? एसिड रेन होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो ऑक्साइड्स हैं, कौन से, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड जब पानी के साथ या वाटर के वेपर के साथ मिक्स होते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जैसे स्थिति बना देते हैं, ऐसे कंपोनेंट बना लेते हैं, और जब ये कंडेंसेशन के वजह से नीचे आएंगे सो एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना, पीएच बहुत कम होगा, और जब ये पानी किसी समंदर में, किसी तालाब में, किसी पानी के सोर्स में गिरेगा तो वहां के पीएच में फ्लक्चुएशन होगा, जमीन पर गिरेगा तो वहां की पीएच को बदल देगा, और जो जमीन है हो सकता है समय के साथ अनफर्टाइल हो जाए, है ना जी हाँ, HNO3 और H2SO4 वाली स्थिति बननी शुरू हो जाती है, जो वाटर वेपर्स हैं दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। बहुत कॉमनली ये स्थिति देखने को मिलती है उन इलाकों में जहां पर रिफाइनरी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, लेदर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पर कानपुर जैसे शहरों में, आगरा जैसे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि इसका असर, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आप छोड़ने वो भी आ जाएगा। ताजमहल का एग्जाम्पल, जिसका कलरेशन बदल रहा है, डार्क धब्बे, ब्लैक पैचेस बनने शुरू होते हैं, इट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ठीक है। हाँ जी सही बात, आगे ये भी एक इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब अगर हम इकोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये तो हर किसी को आता है, मतलब पता ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। चलो सोचो और बता दो, सल्फर आएगा यहाँ पर, सल्फर कहाँ दे रखा है, सिलिकेट है, सिलिकेट है, सल्फर तो है ही नहीं, क्या होगा आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय यूट्रोफिकेशन, कोई बता सकता है यूट्रोफिकेशन होता क्या है? यूट्रोफिकेशन का मतलब है जब किसी वाटर बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो काफी ज्यादा हो जाए, जब किसी वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा काफी ज्यादा हो जाए तो उसे यूट्रोफिफाइड वाटर बॉडी कहते हैं, और इसमें भी दो न्यूट्रिएंट्स के नाम बदनाम है, दो न्यूट्रिएंट्स के नाम बहुत ज्यादा बदनाम है, कौन से, कौन से, हाँ जी न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडी, सही बात है, बट कौन से दो न्यूट्रिएंट के नाम बहुत बदनाम है वो यहाँ पर हाईलाइट किए ही जाएंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली वाटर सॉल्युबल होता है,
ठीक है, जहां भी नाइट्रोजन होगा पानी में आराम से आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि पानी के अंदर कभी नाइट्रोजन की मात्रा कम होती ही नहीं है ना, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन इज हाईली वाटर सोल्युबल। यहां तक कि उस वाटर बॉडी में रहने वाले सारे एनिमल भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन ही रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन इज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो वाटर बॉडी के अंदर कभी भी नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर नहीं काम करता, लेकिन वेरी गुड सावी, आप जो कह रहे हो सही है कि यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट धीरे 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 किसी वाटर बॉडी में बढ़ता है, और जब उसमें वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट आ जाए, इसका मतलब वो अब अपनी जो है बहुत ही ओल्डर एजेस में आ चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, मिनिमम मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर, वाटर के अंदर, एंड दैट न्यूट्रिएंट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज नॉट इजिली वाटर सॉल्युबल, इट इज इनसॉल्युबल वाटर। जैसे ही किसी वजह से फास्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन पानी में बढ़ती है, उस फास्फोरस की वजह से वहां अलगल ब्लूम आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर अभी तक लिमिटिंग फैक्टर था, जैसे ही पानी में उसकी मात्रा बढ़ेगी, वैसे ही वहां पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू करेंगे जिन्हें उस न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये कोई और नहीं होते, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, जिन्हें फास्फोरस मिलते ही बहुत तेजी से अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं। पहले क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? क्योंकि पहले फास्फोरस की मात्रा कम थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और मैंने इस पूरी कहानी में आपको आंसर भी बता दिया कि आंसर होगा नाइट्रेट एंड फास्फोरस, मतलब नाइट्रोजन का कोई सोर्स होना चाहिए, फास्फोरस का कोई सोर्स होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इससे इजी क्वेश्चन शायद ही कोई इकोलॉजी में आपसे पूछे, है ना। देखो आंसर आने शुरू हो चुके हैं, और ये चीज क्लियर है कि आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है इकोलॉजी के अंदर, मतलब हद हो गई। ये तो जब आप इकोलॉजी पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहली बात कह दो, पॉपुलेशन के बारे में जब बात करोगे तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, क्या होगा इससे इजी क्वेश्चन, आप लोग फटाफट आंसर दे दो पहले। कोई 3 कह रहा है, कोई 1, अच्छा मोस्ट ऑफ 1 कह रहे हैं, वाह वाह इजी है ये, क्या ये तो हम सोते सोते भी जवाब दे देते हैं ना ये तो आसान सा क्वेश्चन। आंसर है 1, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज। ऐसे अधूरा है डेफिनेशन, और भी चीजें होती हैं इसमें, लेकिन काफी है सही आंसर पता करने के लिए। और अब एवोल्यूशन वाले पार्ट की तरफ आते हैं, अब एवोल्यूशन के जो क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। चलो लगाओ दिमाग, 12th में आपने इसको सॉल्व जरूर किया होगा। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, सारे लोगों ने एक ही बार में सही आंसर दे दिया, गुड। सो दिस इज व्हाट द सीक्वेंस, आई होप आपको इमेज दिख रहा होगा कि सबसे पुराना पिकिंग मैन,
उसके बाद फिर हेडलबर्जंस और हेडलबर्जंस मैन, देन नियंडरथल्स, और सबसे लेटेस्ट माना जाता है होमो सेपियंस के सबसे करीबी माना जाता है क्रो मैग्नन मैन, है ना। तो ये है पूरा सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस के हिसाब से आपका आंसर है थर्ड वन। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, एवोल्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ जी, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्रोमैग्नन सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्रोमैग्नन सबसे लास्ट में दो ही जगह, ये दो जगह तो नहीं है, एलिमिनेट भी करके आप आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी, पेकिंग को सबसे पहले रखना है। चलो डन, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है। ह्यूमन एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, जी हाँ अनुराग जी, एक बार सीक्वेंस पढ़ के जाएं, है ना, सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन एक बार पढ़ के जरूरी है। ट्रायोपिथेकस था ओल्डेस्ट, अरे हाँ भाई, अगर आप सीक्वेंस की बात करोगे, अब मैं सीक्वेंस कहीं से भी बना सकता हूँ ना, सीक्वेंस तो मैं कहीं से भी बना सकता हूँ, मैंने यहाँ चार का ही एग्जाम्पल ले रखा है, तो जो बीच में से चार उठा लिए, अब उसमें सबसे पहला जो है वो आपको यहाँ पिकिंग में आएगा। बाकी बात सही है, ड्रायोपिथेकस जो है से पहले शुरुआती एपमेंस कहे जाते हैं। चलो, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप मेजोरिटी लोग जो है इस बात से एग्री करेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स आंसर आएगा। रेप्टाइल और बर्ड्स के मिसिंग लिंक के तौर पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इजीएस्ट। हाँ जी, क्वेश्चन तो मेजोरिटी इजी ही आते हैं ना, अगर हम तैयार हैं तो हमको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, हम तैयार नहीं है तो हमको सब टफ लगेंगे। अब इसका जवाब दो, अब इसका जवाब दे दो जल्दी जल्दी स्पीड में। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लोग सोच रहे हैं कि क्या जवाब दें। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में क्या डिफरेंस है, कोई नहीं, मैं तो कहूंगा कोई फर्क नहीं। मिसिंग लिंक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव जिंदा नहीं है, है ना, देखने को नहीं मिलता, इसलिए मिसिंग लिंक है। बाकी कनेक्टिंग लिंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ग्रुप दोनों ही, मतलब जो प्रिमिटिव और जो आगे एडवांस ग्रुप है, उन दोनों के कैरेक्टर शो करता है, इसलिए उसको कनेक्टिंग कह दिया, बाकी कोई फर्क नहीं है। ये नॉन लिविंग फॉसिल्स हैं, बस इतना ही। होमोलोगस ऑर्गन कह देंगे क्या, देखो विंग है किसका, बैट का, जो एक मैमल है, बाद लोकस्ट है जो कि एक कीड़ा है, के बाद फिर पिजन है जो कि एक बर्ड है, एक मैमल हुआ, एक इंसेक्ट हुआ, एक बैट हुआ, तीनों के पास विंग्स हैं, तीनों उसका इस्तेमाल उड़ने के लिए करते हैं, तो क्या ये विंग्स इनके पिताजी से इनको मिला था, पिताजी के पिताजी से इनको, बल्कि तीनों ही ग्रुप ने ये वाला कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली डेवलप किया हुआ है। वेरी गुड, शाबाश श्रद्धा, वेरी गुड, एनालॉगस ऑर्गन्स कहे जाएंगे ये सारे एग्जाम्पल, जहां फंक्शन सेम निकल करके आए, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल होगा। चलो कोई बात नहीं, हाँ जी हाँ जी, सही बात। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। इकोलॉजी और एवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे, कोई बात नहीं ना, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, चीजों को गलत ना करें, जल्दबाजी ना करें, करेक्ट। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये सारी जानकारी मैं आप सभी को पहले भी दे चुका हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या फायदे हैं आप जो कि मिल सकते हैं, एंड दिस इज अबाउट द टुडे सेशन। नहीं था इसलिए तो इकोलॉजी और एवोल्यूशन ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इससे ये बात समझ में आती है कि इसको काम भर का ही पढ़ना है,
बहुत ज्यादा समय मत देना इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, काम भर की बात कर लेना जो बेसिक बेसिक सिंपल्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ना। थैंक यू सावी, थैंक यू सो मच, और अब मिलेंगे फिर कभी किसी और सेशन में आप सभी के साथ, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बने रहें आईएफएस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना अगर अभी तक, तो कर लो, क्योंकि ऐसे और भी सेशंस आएंगे एग्जाम आने से पहले। ओके, चलो, थैंक यू। जी मधु, कुछ समय में ये सेशन शुरू होंगे।